हेलो माय लवली, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेडिंग मेकअप सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ हल्दी मेकअप लुक, मेहंदी मेकअप लुक, एंगेजमेंट मेकअप लुक वगैरह शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपने बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। सो यहाँ आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने स्किन केयर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। गाइज ये बहुत अच्छा है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मैट फिनिश देता है और अच्छे से आपके पोर्स को ना ब्लर आउट कर देता है बिल्कुल। सो थोड़ा सा आपको चाहिए दिस अपने चिन पे, अपने नोज पे, थोड़ा सा अपने फोरहेड पे भी, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसीलिए अपने माउथ एरिया के पास भी। ये थोड़ा सा ना वाइट लगेगा आपको थोड़ी देर के लिए जस्ट, बट एक्चुअली आपके फेस को वाइट बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, यू कैन सी कितने अच्छे से ब्लर आउट कर दिया है इसने। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन इन द शेड 332 गोल्डन कैरेमल। ये मेरा परफेक्ट मैच है, अगर आप मेरी तरह मीडियम टू डार्क स्किन के हो तो आपको ये परफेक्ट लगेगा। तो इसको मैं डॉट डॉट करके अपने फेस और नेक पे अप्लाई करूँगी। सो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है फाउंडेशन। फाउंडेशन की लेयर इतनी अप्लाई करनी ज़रूरी नहीं है, जहाँ आपको ज़रूरत है आप बाद में उसको अप्लाई करके ब्लेंड कर सकते हो। और नोज़ पे कंसीलर फाउंडेशन अवॉइड करो लगाना, क्योंकि जब भी आप मेकअप करते हो उसके बाद में अगर आपको क्रीजेस पड़ जाती है ना नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड, तो वहाँ पे कम प्रोडक्ट अप्लाई करो। हमेशा जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई करो। कलर करेक्टर अप्लाई कर सकते हो आप, या फिर देख अभी मैंने अपने नोज़ में कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जो भी ब्यूटी ब्लेंडर में है थोड़ा सा मैं वही डैब डैब कर रही हूँ सिर्फ उस पर। सो नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, एंड इसके लिए मैं पे यूज़ कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेस का कवर इट ऑल कंसीलर इन द शेड 07। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छी कवरेज दे देता है आपको, एंड बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत ही क्रीमी है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ पर आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा। छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आज कल तेरे मेरे प्यार जज्जे हैं जुबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। सो नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन की स्क्रोप एंड शेप स्टिक। सो जो कॉन्टोर शेड है मैं वो अप्लाई करूँगी, इसका टूट गया है थोड़ा सा मुझसे, थोड़ा सा पूरा ही टूट गया एक्चुअली। ना ड्रेस पे ना लगे भाई, कुछ भी हो जाए कपड़े पे ना लगे, बस लग गया थोड़ा सा लगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फोरहेड पे, उसके बाद इस साइड। मिटी गया तो मतलब पूरा अब्जॉर्ब ही कर लिया शायद ब्यूटी ब्लेंडर ने। अचानक से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं छींक आने लग गई, कोल्ड हो गया है, बट कोई ना हम फिर भी मेकअप करेंगे क्योंकि हमको सुंदर लगना है। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लश, एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेज का लेट्स गो टिंटिंग लिपस्टिक एंड आई टिंट इन द शेड 08 सेल्फ लव। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाइज, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है मुझे, इतना अच्छा पता नहीं सकती, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही डूई, अच्छी फिनिश है इसकी, एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो अपने बैक ऑफ हैंड पर लेके इसको थोड़ा सा वॉर्म कर लेंगे एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे। चिंता जैसा तू मेरे सोना,
इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी मैं। वाओ, सो नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को फिक्स करूंगी एंड उसके लिए मैं भी यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर गाइस। सो नेक्स्ट मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लूंगी, उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ट्रेंडिंग सेटिंग पाउडर। सो एक लूज पाउडर है एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है बनाना। सो नेक्स्ट मैं अपने ब्राउज को अच्छे से फिल कर लूंगी एंड उसके लिए मैं अभी यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल इन द शेड ग्रे। ये मेरा फेवरेट ब्राउ प्रोडक्ट है बाय द वे, रीसेंट वाला। पहले मैं अच्छे से कॉम कर लूंगी अपने ब्राउज को। सो नेक्स्ट हम करेंगे आई मेकअप एंड उसके लिए मैं अभी यूज कर रही हूँ ये कप्स एंड लैशेस का शाइल स्टाइल 12 कलर आई शेडो पैलेट। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट गाइस, इसमें बहुत ज्यादा पर्पल एंड पिंक कलर्स है। सो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ दिस पर्पल शेड अपने क्रीज पर। सो नेक्स्ट मैं ये लेवेंडर एंड पिंक शेड मिक्स करके अप्लाई करूंगी अपने अपर क्रीज पर। सो नेक्स्ट मैं अपना आईलेट्स पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक काजल। एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो नेक्स्ट मैं सेम शेड से अपने काजल को ना थोड़ा सा स्मच कर लूंगी ताकि ना कोई भी हार्श लाइन ना लगे मुझे। डस्ट ऑफ कर दो। सो नेक्स्ट अप्लाई करी दिस ब्यूटिफुल ग्लिटर अपने आईलेट्स पर। आप चाहो तो पर्पल ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, फिर जो भी आपने ड्रेस पहना हो। बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ दिस ब्यूटिफुल शेड अपने लोअर लैशेस पर। एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ, कुछ स्मच कर लूंगी। सो नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ दिस डार्किश पर्पल शेड अपने लोअर लैशेस पर। डस्ट ऑफ कर लो पहले एक्सेस प्रोडक्ट को एंड देन जस्ट। सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे आई लाइनर एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का जेल आई लाइनर गाइज, जो कि मैंने अपने आई लिड्स पर भी अप्लाई किया था। सो मैं बहुत ही सिंपल आई लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ, हल्का सा विंग एंड देन एक बोल्ड आई लाइनर। सो लाइनर अच्छे से अप्लाई हो गया, यू कैन सी दोनों आंखों पे एकदम परफेक्टली लगाए। सो आईलैशेस अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर एंड उसके लिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर गाइस। दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर, सो क्रीमी एंड सो ब्यूटीफुल। हाउ इट्स सो गुड। थोड़ा सा ब्राउ बोन पे, उसके बाद फोरहेड पे
नेक्स्ट फिर मैं इनर कॉर्नर्स को अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी एंड वाओ सो ब्यूटीफुल। सो लास्ट में अप्लाई करूंगी लिपस्टिक एंड इसके लिए मैं भी यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर इन द शेड लेवन पर्पल। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पर्पल शेड। चल माय लवलीज, आई होप आपको मेरा ये ब्यूटीफुल सा देसी ग्लैम वेडिंग मेकअप लुक अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो या अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो, अगर अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पे एक बेल बटन होगी उसको भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक छोटी सी चीज करनी है, लाइक आपको मेरे वेडिंग मेकअप सीरीज में से कौन सा मेकअप लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो मुझे कॉमेंट करके बताना है। आपके नाम के साथ साथ आपका कॉमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में रीड करके बताऊंगी। सो या आप अगर आप ये मेकअप लुक रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलिएगा, मेरा हैंडल है priya.vd7। आप चाहो तो मुझे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी टैग कर सकते हो जिसका नाम है prettygirlpriya34। सो या लव योरसेल्फ, बाय, टेक केयर, और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वेडिंग मेकअप सीरीज में। बाय।